स्वागत है आपका अपने चैनल आरोग्य इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें। गर्मियों के मौसम में पसीने की बदबू परेशानी का सबब बन जाती है। कई बार अंडर आर्म्स, पैरों, हथेलियों में पसीने से दुर्गंध आती है और हमें शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव, शारीरिक परिश्रम, भावनात्मक उत्तेजना, अनुवांशिक हार्मोन असंतुलन तथा वातावरण में उच्च तापमान गर्मियों में पसीने का मुख्य कारण माना जा सकता है। पसीने से शरीर में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। गर्मियों में पसीना आना आम बात है तथा पसीने से मोटापा कम होता है तथा कई बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। यूं तो पसीना पूरी तरह से गंध रहित होता है, लेकिन जब पसीना त्वचा के स्तर पर विद्यमान बैक्टीरिया से मिलता है तो पसीने से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। ऐसे में नींबू के पानी, गुलाब जल, दही, बेकिंग सोडा और ताजे पानी जैसे आसान घरेलू उपायों से आप गर्मियों में पसीने की समस्या से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। चलिए जानते हैं गर्मी के मौसम में पसीने की बदबू से दूर रहने के कुछ आसान से घरेलू उपाय। भीषण गर्मी के दौरान सूती कपड़े पहनने चाहिए जिससे पसीने को सूखने में मदद मिले। गर्मियों में हर रोज कपड़े बदलें तथा खुले और हल्के कपड़े ही ज्यादा पहनें। ये आपको गर्मियों में बहुत आरामदेह साबित होगा। गर्मियों में पसीने की बदबू को रोकने के लिए डिओड्रेंट काफी मददगार साबित होता है। हमेशा हल्के सुगंधित डिओड्रेंट का प्रयोग करें, क्योंकि तेज सुगंध के डिओड्रेंट से त्वचा में जलन हो सकती है या संवेदनशील रासायनिक प्रभाव भी पड़ सकता है जिससे त्वचा खराब हो सकती है तथा त्वचा पर काले धब्बे भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा टैल्कम पाउडर और इत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेकिंग सोडा पसीने की दुर्गंध को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। बेकिंग सोडा, पानी तथा नींबू के रस को मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को अपने अंडर आर्म्स में 10 मिनट तक लगाकर रखें, फिर ताजे पानी से धो डालें। इससे पसीने की बदबू को रोकने में मदद मिलती है। बेकिंग सोडा और टैल्कम पाउडर का मिश्रण बनाकर इसे अंडर आर्म्स और अपने पैरों पर 10 मिनट तक लगाकर रखें। फिर इसके बाद ताजे पानी से धो लें। इससे पसीने की समस्या से निजात मिल सकता है। पसीने की दुर्गंध वाले शरीर के हिस्सों पर कच्चे आलू की स्लाइस रगड़ने से भी पसीने की दुर्गंध से छुटकारा मिलता है। नहाने के टब के पानी में फिटकरी तथा पुदीने की पत्तियों को डालकर भी नहा सकते हैं। इससे शरीर में ठंडक तो मिलती ही है, साथ में ताजगी का एहसास भी होता है और इससे पसीने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। नहाने के पानी के टब में गुलाब जल मिलाने से प्राकृतिक शीतलता तथा कोमलता मिलती है। 2 बूंद टी ट्री ऑयल और 2 चम्मच गुलाब जल मिलाकर इस मिश्रण को कॉटन वुल की मदद से अंडर आर्म्स में लगाने से पसीने की समस्या से निजात मिलता है। बालों से पसीने की दुर्गंध को रोकने के लिए 1 कप पानी में गुलाब जल तथा नींबू के रस को मिलाकर बालों को धोने से पसीने की बदबू खत्म होती है। रात को खाना खाने से पहले टमाटर का जूस पीना चाहिए। टमाटर पसीने की बदबू के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को खत्म करता है। पान के पत्ते तथा आंवला को पीसकर इसका पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को अपने अंडर आर्म्स में 10 मिनट तक लगाकर रखें। फिर ताजे पानी से नहा लें। इससे भी पसीने की दुर्गंध से मुक्ति मिलती है। अपने बाथटब में नीम की पत्तियों को रात में साफ करके डाल दें तथा इस पानी से नहाने से पसीने की दुर्गंध के अलावा त्वचा के इन्फेक्शन को रोकने में भी मदद मिलती है। बाथटब में नहाने से 1 घंटे पहले संतरे का छिलका डालकर छोड़ दीजिए। फिर इस पानी से नहाने से शरीर में ताजगी तथा ठंडक का एहसास होता है। शरीर को रगड़ रगड़ कर ताजे पानी से नहाने से शरीर से गंदगी, दुर्गंध तथा रोग के कीटाणु साफ हो जाते हैं। इसके अलावा ये पसीने की दुर्गंध से छुटकारा पाने का सबसे आसान और सरल उपाय है। तो अगर आप भी इन गर्मियों में पसीने की बदबू से खुद को दूर रखना चाहते हैं, तो हमारे बताए हुए इन नुस्खों को जरूर अपना कर देखें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।